नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं महिला केयर क्रीम का, और आज की वीडियो में आपको इस क्रीम से जुड़ी सब तरह की जानकारी मिलेगी। क्या है इसमें शामिल, किन किन को यह इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों के लिए इस क्रीम को बनाया गया है, और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और लोग कितना स्किन को इसको यूज करके खराब कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दाग धब्बों की प्रॉब्लम की बात करें तो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होना, पिगमेंटेशन होना, हाइपर पिगमेंटेशन होना, ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जिनके लेकर लोग कंसर्न रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि फेस की लुकिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। महिलाओं में खास करके प्रेगनेंसी के बाद में पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कई महिलाओं में जाइयों की समस्या होती है, डार्क पैचेस, ब्राउन पैचेस जब आ जाते हैं, जिनको क्लियर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फेस अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो महिलाएं इन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में लोगों से बातें शेयर करती है, और उनके जो रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं वो गलत तरीके से भी परचेज कर लेती है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल लेता है जो मेडिकल पर जाकर हम बोलते हैं कि हमारे को इन इन चीज़ों के पिगमेंटेशन के लिए क्रीम चाहिए, तो कुछ भी वो मेडिकेशन क्रीम है वो पकड़ा देते हैं, जिसके बाद में साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेलाकेयर क्रीम की बात करें तो मेलाकेयर क्रीम है वो एक मेडिसिनल क्रीम है, मेडिकेशन क्रीम है, कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस क्रीम की प्राइस की बात करें तो 230 रुपये इसकी प्राइस देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से अवेलेबल रहती है। इसके अंदर क्या है इसकी बात करें तो सबसे पहले ये मेलाकेयर क्रीम है वो सबसे ज्यादा यूज होती है हाइपर पिगमेंटेशन को लेकर, पिगमेंटेशन को लेकर, दाग धब्बों को लेकर, जो मेडिकल वाले हैं या फिर डॉक्टर हैं वो इनको देते हैं, लेकिन मेडिकल वाले हैं वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधा दे देते हैं, जो कि गलत चीज रहती है। तो इसके अंदर क्या है इसकी बात करें तो इसमें हाइड्रोक्विनोन शामिल है। हाइड्रोक्विनोन एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्किन लाइटिंग एजेंट है, दाग धब्बों और पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है डॉक्टरों की सलाह के बाद में। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर हाइड्रोक्विनोन को इस्तेमाल करना सही नहीं रहता है। इसके अलावा इसमें ट्रेटिनोइन शामिल है जो एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए एक मेडिकेशन है वो आती है। इसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट रहता है मोमेटासोन फ्यूरेट, जो कि एक ड्रग है एक्जिमा, सोरोसिस, एलर्जी और रेसेज को लेकर यूज किया जाता है। स्टेरॉइड है जो कि क्विक रिजल्ट देता है। इसके अलावा इसमें मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन शामिल है प्रिजर्वेशन के तौर पर। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को मिलाकर इस क्रीम को बनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मेडिकेशन क्रीम है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं लेने को लेकर, तो इसकी बात करें तो क्विक रिजल्ट जब चाहिए होते हैं, जल्दी से रिजल्ट चाहिए होते हैं, तब डॉक्टर ये मेडिसिनल क्रीम को इस्तेमाल करके रिजल्ट को है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रिस्क्राइब है वो करते हैं। लेकिन अगर आपके नॉर्मल कंडीशन है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयां वगैरह है, डार्क पैचेस वगैरह है चेहरे के ऊपर, तो कभी भी मैं आपको हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स है जो भी इनको लेने की सलाह है वो नहीं दूंगा। मेलाकेयर क्रीम को लेने की सीधा सलाह है वो नहीं दूंगा। लोग मेडिकल पर जाते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं कि हमारे पिगमेंटेशन है, हमारे को ये जो क्रीम दीजिए, तो वहां पर मेडिकल वाले ऑलमोस्ट सभी हाइड्रोक्विनोन क्रीम ही पकड़ा देते हैं, जिनकी अदर लोगों को लग जाती है, धीरे धीरे स्किन खराब होने लगती है। जब उनको छोड़ते हैं तब स्किन आपकी 100% खराब होगी, इसके अलावा आपको आदत लग जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अब मैं आपको काम की सलाह देता हूं, अगर आपके नॉर्मल स्किन कंडीशन है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयां, डार्क पैचेस, ब्राउन पैचेस, ये सब चीज़ें हैं, तो सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट जो रहते हैं वो रहता है विटामिन सी और रेटिनॉल। इन दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई इसमें जो सीरम्स है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसमें मैं आपको सलाह दूंगी विटामिन सी अगर आपको यूज करना है तो प्रोस्किन एडवांस विटामिन सी सीरम आती है, जो कि 450 रुपये की सीरम आती है। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो कहीं से भी खरीद सकते हैं। सबकी खरीदने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अच्छी सी विटामिन सी क्रीम आपको चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल करें, पिगमेंटेशन के लिए, दाग धब्बों के लिए यह सीरम है वो अच्छी है। तो एक अच्छी सीरम आपको चाहिए इस्तेमाल करने को लेकर, तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को लेकर, दाग धब्बों को लेकर आप इस प्रोस्किन एडवांस विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अच्छी विटामिन सी या रेटिनोल सीरम या फिर क्रीम जो आप टेस्टेड हो, जिसके रिजल्ट आपको दिखे, और ऐसी सीरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके जो आपको फ्रेंड वगैरह रिकमेंड करी, जिसमें विटामिन सी या फिर रेटिनोल वगैरह है। हाइड्रोक्विनोन की किसी भी चीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर देंगे। ऐसे ही बढ़िया वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।